मेरा नाम ममता है। मैं उत्तर प्रदेश उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मेरे पति पवन कुमार 4 साल से कुवैत में फंसे हुए हैं। मैं सुषमा स्वराज जी से मिली और मोदी जी से मिलने गई, लेकिन मोदी जी से नहीं मिल पाई। सुषमा स्वराज जी से मिली और उन्होंने मुझे समझाया कि मैं परेशान ना हूँ, मेरे पति को सकुशल वापस लेके आएंगी। लेकिन उन्होंने बस आश्वासन दिया, आज तक मेरे पति को वापस नहीं ला पाई। ये मेरी बूढ़ी सास है जो आज तक अपने बेटे की रास्ता देख रही है। 4 साल हो चुके हैं, अभी तक बस हमको सहारा दिया जा रहा है कि वो आ जाएंगे, लेकिन हम क्या करें। आप लोग भाई लोगों से मदद है, मैं भारत सरकार से तो उम्मीद खो चुकी हूँ, तो मेरे पति की मदद करेगी। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें, मेरे पति को वापस लाएं। ये मेरी मम्मी है जो कि मेरे पति मेरे घर का इकलौता सहारा है, और उनके सिवा हमारा कोई नहीं है यहाँ जो हमारी मदद कर सके। मैं आप भाई लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे पति की मदद करें। ये थी ममता। ये हमारे पवन जी जो 4 साल से फंसे हुए हैं कुवैत में, उनकी धर्मपत्नी है। ये इनकी छोटी बच्ची है, 4 साल से इन्होंने अपने पिताजी को एक बार भी सामने से नहीं देखा है। होली, दिवाली, ईद जितने त्योहार निकल रहे हैं इन 4-5 सालों में, आज तक कोई भी त्योहार में पवन अपने घर वालों के साथ नहीं रहे हैं। और पवन ने कई बार कोशिश करी सुषमा जी से बात करने की, लेकिन सुषमा जी उनको हर बार ब्लॉक कर देती हैं ट्विटर पे। आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं पवन जी। नाम पवन कुमार है, गांव का नाम बीघापुर, जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। दोस्तों मैं अरब देश कुवैत में फंसा हूं, 4 साल से ज्यादा हो गए। मुझे अरबी मालिक ने मुझे झूठे केस में फंसा रखा है, और यहाँ मेरी कोई मदद नहीं हो रही है, किसी प्रकार की मदद नहीं हो रही है। मुझे बस दिलासा दी जा रही है कि तुम्हारी मदद की जा रही है, बस झूठा दिलासा मुझे दिया जा रहा है। सुषमा स्वराज जी ने 1 साल पहले ट्वीट करके मुझे मैसेज दिया था कि पवन तुम्हारे ऊपर केस लगा है, तुम वकील कर लो। सुषमा जी के कहने के बाद एम्बेसी ने मुझे वकील दिलाया, और मेरे साथ धोखेबाजियां की जा रही हैं। एम्बेसी वाले यहाँ कोई बराबर मदद नहीं कर रहे हैं, ना ही करवा रहे हैं। और सुषमा एम्बेसी वाले मेरे साथ बदतमीजी से बात करते हैं, सुषमा जी को कोई मैसेज करो वो मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर देती हैं। उनको कोई मैसेज देने की कोशिश करो तो वो मुझे ब्लॉक कर देती हैं। अब तक 4 बार मुझे ब्लॉक कर चुकी हैं, अभी फिर मेरा ट्विटर अकाउंट सुषमा जी ने ब्लॉक कर रखा हुआ है। तो दोस्तों मैं क्या करूं, आप लोग बताओ, मैं किससे अपनी फरियाद करूं। एम्बेसी वालों की लापरवाही की वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ। एम्बेसी वालों ने गलती करी, सजा मैं भुगत रहा हूँ। मेरी क्या गलती है दोस्तों, मैंने यहाँ कोई जुर्म नहीं किया है, गलती एम्बेसी वालों ने करी। और मैं जानता हूँ मेरी मदद क्यों नहीं हो रही, मेरी मदद जानबूझकर एम्बेसी वाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ। इन लोगों ने जबरदस्ती मेरी मुझसे जाति पूछी थी, मुझसे बदतमीजी से बातें करते हैं, इनका बात करने का ढंग भी ठीक नहीं है। मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, मुझसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे आश्वासन देते रहते हैं, मीडिया वाले हैं, नेता लोग हैं, इन लोगों से मैंने बहुत लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। विदेश मंत्रालय में मेरी पत्नी जाती है, पीएमओ ऑफिस में भी जाती है, 4-5 चक्कर लगा चुकी है वहां से भी उसे बस कार्यवाही हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है वहां पे। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे आश्वासन दिया कि फैज इंडियन नाम की एक आईडी है फेसबुक में, उनसे आप बात करो, तो मैंने उनसे बात करी है, तो उन्होंने मुझे मदद की आस दी है कि हम कोशिश करेंगे मदद कराने की। मेरे अरबी मालिक ने मुझ पर यहाँ पैसों की चोरी का इल्जाम लगा रखा है। दोस्तों फैज भाई ने मेरी मदद के लिए कहा है कि मैं आपकी मदद करूंगा, कोशिश करता हूँ मैं। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरी मदद करें। सुषमा स्वराज जी को भी आप लोग उनको कहें कि पवन को जल्दी बुलाया जाए। अभी मैं देख रहा हूँ उनको भी है, मेरे बारे में एक बार भी नहीं बोला है। जहाँ पे उनको पब्लिक सिटी मिलनी होती वहाँ पे केवल वो अपना झंडा गाड़ने जैसी बातें करती हैं। अभी आज मैंने भी देखा है कि जो एक लड़की पाकिस्तान में गई थी है, तो उसके साथ ऐसा हुआ, वहाँ पे खूब रोटियां सेकी जा रही हैं। मैं तो भैया ऐसा ही बोलूंगा, क्योंकि आज यहाँ मैं 4 साल से ज्यादा हो गए फंसे हुए, 2.5 साल से ज्यादा हो गए मैं एम्बेसी के रास्ते देख रहा हूँ, कोई मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता। किसी से फोन करो, विदेश मंत्रालय में फोन करो, विदेश मंत्रालय कहते हैं तुम ही नहीं हो, और भी बहुत सारे लोग फंसे हुए। ये कौन सा तरीका है, ये कोई तरीका होता है सुषमा जी का? कहूंगा मेरे घर वाले इतना परेशान में, मुझसे हालत देखी नहीं जा रही घर वालों की, और जिसको चाहे मेरे घर जाके पता कर सकता है घर में मेरी क्या हालत है, मेरी माँ की, मेरी बेटी की, मेरी पत्नी की। और मैंने अगर यहाँ कुछ कर लिया तो उसकी जिम्मेदार केवल सुषमा स्वराज जी होंगी, केवल सुषमा स्वराज जी। फैज भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी मदद करें। जी से बात हुई, पवन जी काफी ज्यादा परेशान है। पवन जी का कहना है कि उनके ऊपर जितने मुकदमे लगाए गए हैं वो सब छूटे हैं, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो धोबी
बिरादरी से हैं, वो दलित हैं, शायद सरकार इसलिए उनकी मदद नहीं कर रही है। अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे। मेरे जितने भाई ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर करिए, सुषमा जी को टैग करिए, भारत सरकार को टैग करिए, जितनी हो सकती है कोशिश हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। और अब की होली दिवाली इंशाल्लाह पवन अपने घर पर मनाएंगे। जय हिंद।